हाय फ्रेंड्स, आज बनाते हैं केक एंड मैंगो कस्टर्ड। उसके लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध और उसमें डाल दिया शुगर और उसको बॉयल आने दिया। उसके बाद उसमें कॉर्नफ्लावर और कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके डालेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर ना डालना चाहें तो आप सिर्फ कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं और उसको थिक होने तक पकाएंगे। अब हमारा कस्टर्ड थिक होने लगा है, इसको हम लोग चलाते रहेंगे और फिर उसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, थिकनेस टेस्ट करने के लिए आप स्पून के पीछे हल्का सा फिंगर लगाएंगे। अगर आपका स्पून एक लाइन से क्लीन आ जाए तो मतलब कि आपका कस्टर्ड तैयार है, आपका थिकनेस ठीक है। मगर अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है, हम थोड़ा सा और पकाएंगे, वनीला एसेंस डाल देंगे और फिर हम लोग मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा ले लिया है और थोड़ी सी ले ली है घर की फ्रेश मलाई, उसमें हम शुगर डाल के तैयार कर लेंगे। अब सेटिंग करेंगे, अब हम लोग लेयर्स लगाएंगे, जिसमें सबसे नीचे मैंने ब्रिटानिया का केक लगाया है, उसके ऊपर हम लोग मैंगो डालेंगे, फिर उसके ऊपर क्रीम, फिर उसके ऊपर रूह अफ़ज़ा। इसी तरीके से हम लोग सारी लेयर्स लगा लेंगे और फिर ऊपर से भी टॉप करेंगे। अरे कहाँ जा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मेरी प्यार भरी मनुहार, तो सुनते जाइए प्लीज़। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिससे कि मैं ऐसे ही इजी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। तो अब आ गया फाइनल स्ट्रोक, ऊपर से टॉप करेंगे क्रम्बल करे हुए केक पीसेस से, चेरीज और एलमंड फ्लेक्स से। ऊपर से आप इसमें ड्राइड रोज़ पेटल्स भी डाल सकते हैं और रूह अफ़ज़ा या स्ट्रॉबेरी सॉस से डेकोरेट कर सकते हैं। वाओ, देखिए इसका साइड व्यू और टॉप व्यू। वाओ, टाइम फॉर टेस्टिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड टेम्पटिंग। अब मेरे से तो भाई वेट नहीं हो रहा, मैं तो चली खाने। आप भी इंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स को खिलाइए, अपने गेस्ट को खिलाइए, इंजॉय।